हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट फैक्ट में। दोस्तों, आपने बारकोड और क्यूआर कोड को कभी ना कभी जरूर देखा होगा। बारकोड कुछ इस तरह का होता है और क्यूआर कोड कुछ इस तरह का। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं होते, बट आज के समय में ये काफी पॉपुलर हो चुके हैं। बारकोड अक्सर हर किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर मिल जाता है और क्यूआर कोड को बेसिकली आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बारकोड और क्यूआर कोड के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बारकोड का इन्वेंशन आखिर किसने किया और सबसे पहले बारकोड का इस्तेमाल किस प्रोडक्ट पर किया गया। बारकोड का इन्वेंशन दो दोस्त नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा किया गया और सन 1951 में उन्होंने अमेरिका में इस इन्वेंशन को पेटेंट करवाया। इन्वेंशन के कुछ समय बाद ही इन्हें कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। सबसे पहले इस बारकोड का इस्तेमाल जून 1974 में एक रिगले नाम की कंपनी के च्युइंगम के पैकेट पर किया गया। इसी तरह से बारकोड को कमर्शियली तौर पर सक्सेसफुल होने में तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा का समय लगा। पर आज के समय में बैंक के पासबुक से लेकर ग्रोसरी स्टोर पर मिलने वाली तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली बारकोड में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की वर्टिकल लाइंस मौजूद होती है, जो कि डेटा को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में स्टोर करता है। बारकोड में ब्लैक एंड व्हाइट लाइन एक नंबर को डिनोट करता है। इसी तरह से इसमें 7 वर्टिकल लाइंस का एक सेगमेंट होता है, जिसमें 0 से 9 तक सभी नंबर्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और उसके हिसाब से ही डेटा स्टोर होता है। इसी तरह से बारकोड में जो ब्लैक लाइन मौजूद होती है, वो स्कैनर से निकलने वाली लाइट को अब्सॉर्ब करती है और जो व्हाइट लाइन होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। फिर व्हाइट लाइन से जो रिफ्लेक्शन आता है, स्कैनर उसे रिसीव करता है, फिर कोड को डीकोड किया जाता है और उसके हिसाब से ही डेटा को रीड किया जाता है। बारकोड का डिसएडवांटेज ये है कि बारकोड वन डायमेंशन सिस्टम होता है, जो कि ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकता और अगर ये थोड़ा सा डैमेज भी हो जाए तो डेटा रीडेबल नहीं होता। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के डिटेल्स को ही स्टोर कर सकता है, जैसे कि सीरियल नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, PUC यानी कि प्रोडक्ट यूनिवर्सल कोड एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यूआर कोड का इन्वेंशन आखिर किसने और क्यों किया। क्यूआर कोड का इन्वेंशन सन 1994 में डेंजो वेब नाम की जैपनीज ऑटोमोटिव कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर द्वारा किया गया, जिन शख्स का नाम है मासाहिरो हारा। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड है। एक्चुअली मासाहिरो हारा ने क्यूआर कोड का इन्वेंशन सिर्फ ऑटोमोबाइल का हिसाब किताब रखने के लिए किया था, लेकिन आज के समय में ये काफी पॉपुलर हो चुका है। फिर चाहे आपको पेटीएम करना हो, गूगल पे या फिर किसी को पेमेंट करना हो, तो उस समय ज्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्यूआर कोड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइंस मौजूद होती है, इसी वजह से इसे टू डायमेंशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही डायरेक्शंस में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। क्यूआर कोड में कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट के अलावा वाईफाई के पासवर्ड को भी स्टोर किया जा सकता है। किसी भी बारकोड या क्यूआर कोड में डेटा या इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में फीड किया जाता है। क्यूआर कोड की प्रोटेक्शन के लिए इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर ये थोड़ा सा डैमेज भी हो जाए तो भी इसके अंदर का डेटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। डैमेज हो जाने पर भी स्कैनर की मदद से इसके अंदर के डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। क्यूआर कोड आज के समय में एक आम आदमी की आइडेंटिटी बन चुका है, फिर चाहे इसका इस्तेमाल आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में। आपने क्यूआर कोड के जरिए कभी ना कभी पेमेंट जरूर किया होगा, पर आज के समय में भी अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि क्यूआर कोड के जरिए किसी को फाइल या डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जा सकते हैं। इसलिए जो क्यूआर कोड होता है वो 350 गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है किसी भी बारकोड के मुकाबले। इस क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी को आजकल हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। पिछले साल कोविड-19 जब अपने पीक लेवल पर था, तब उस समय लोगों का घर से बाहर निकलना काफी हद तक बंद हो गया था, लेकिन उस पैंडेमिक के कुछ समय बाद से ही खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन देने के लिए, मेन्यू शो करने के लिए और अपने कस्टमर को अपडेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए क्यूआर कोड की मदद से टचलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में पेपर और लैमिनेटेड प्लास्टिक मेन्यू की जगह क्यूआर कोड डिकेल्स का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मेन्यू को ऑनलाइन वर्जन में शो करता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।